सत्यम परम धीमहि, परम सत्तावान भगवान सच्चिदानंद घन के प्रणाम करते हुए अनेक जन्मों के पवित्र करणी। बच्चों तो सर्वपल्ली ब्रह्म मंडली के प्रणाम करते हुए, गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करते हुए, अपन पूज्य माता पिता सदगुरुदेव इष्ट परम आराध्य आराध्या से नमन करते हुए, गुरु गोरखनाथ जी के भूमिया भगवान के गुप्तेश्वर भगवान के प्रणाम करते हुए, भागवत कथा द्वितीय दिवस में हम लोग कथा सत्र में प्रवेश कर लू। अनेक जन्मों के जब पुण्य कर्म उदय हुई तब भगवान कथा अवसर प्राप्त हो। आज अपन लोग थोड़ा देर करिए, कथा टाइम टू 12 बजे तो चाल तो चढ़ गए आधु घंटे महाराज बताओ, तो 12 बजे तक अब लोगों को हजार दे ताकि 4 बजे फिर छुट्टी हजार ना हो, तो यह होल में ठीक टाइम पर अपन लोग पहुँच जाए। आज 12:30 बजे चीज बल्कि आधु घंटे फिर चाह पानी के लिए व्यवस्था देखने में, तो अगर कथा विस्तार पूर्वक हो और हमको खूब कान सुनने का अवसर मिलो तो टाइम पे आवे यहाँ भगवानों का हमको कथा सुने। अनेक जन्मों के पवित्र करनी और अनेक जन्मों पुण्य के बढ़ानी यह भगवान कथा। अनेक वर्षों में यह कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं और परवड़ा भक्त मंडली ग्रामवासी लोगों तन मन धन सहयोग द्वारा और समस्त आचार्य ब्राह्मणों का आशीर्वाद द्वारा और इष्ट देवता गोरखनाथ जी कृपाल हर वर्ष अब लोग यह कार्यक्रम कराने लग रहे थे। तो ये कार्यक्रम यही प्रभाव चूंकि हमारे घर में रिद्धि सिद्धि रहो, हमारे गांव का नाम हो और हर क्षेत्र में परवड़ा ग्रामर जो चू चर्चा हो कि महाराज तन मन धन द्वारा कसी हर वर्ष ये कार्यक्रम के करनी। तो ये कार्यक्रम तब संभव हो जब हमारे अनेक जन्मक पुण्य उदय होनी, ये भगवान कथा अवसर सबूक नहीं मिलो। या अवेले यदि हमार मन चंचल हो तो समझ लो आई भगवान कृपा नहीं है, भगवान कृपा तो हम यहाँ पहुँच गए परंतु हमारे कल्याण कशिहल मन द्वारा भगवान कथा का हमको सुन थे। हम यहाँ आयु 2-4 घंटे बस केवल भगवान चर्चा और उस चर्चा द्वारा हमार कल्याण कशी हो। देखो देश में विदेशों में और पूरे विश्व में कतु खुली महामारी है रहे और जन जीवन सात्विक सु और आज वैज्ञानिक डॉक्टर ने कौन लग रही जो सात्विक भोजन करनी, नियम संयम पालन करनी और जनर सत्संग में मन छु उनको यह महामारी ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाने लग रहे। वही लोग ही महामारी द्वारा ज्यादा प्रभावित होने लग रही जो मांस खानी मदिरा खानी उल्ट चिल जिसे उल्ट सिद्ध धंध करनी और घर बनाई कम भैरव बनाई जाने खानी। हमारे पहाड़ पंडा आजकल लोग बिगड़ गई, अपन देशक जो अन्न छो उनको कम खानी तो चाइनीज फूड पे ज्यादा खाने लग रही। तो सात्विक अन्न खाओ, सात्विक विचार बनाओ और रोग प्रतिरोधक क्षमता के शरीर में बढ़ाओ। अब तो ये इंजेक्शन में लागण लग रहा 45 साल है मरीज जो लोग थे उनको सरकार फ्री में इंजेक्शन लगाने लग रहे, तो ये भी हमको सरकार के सहयोग करना चाहिए और हमारे गांव गाड़ में प्रकार कोई रोग व्याधि ना आओ ये भी हमको सावधान रहना चाहिए साफ सफाई द्वारा और नियम संयम द्वारा। जतू हमें अधिक अधिक प्रयास हो हम घर में घेर कम जो हाँ बहुत आवश्यक कार्य जो हमको ले जान पड़ो। मैं तो लगभग 1.5 महीना एक घंगल घरे नहीं जा रहा लगातार कथा
एक हल्द्वार में थी, फिर एक द्वाराट में एक कथा थी, फिर हल्द्वार में एक कथा थी, फिर अल्लाह हाल में बागेश्वर हो गया, अगिल में बेरीनाथ साइड में धोरीनाथ मंदिर में कल कर रहे आई विचार दिन घर में रोई फिर यहाँ आ गई। आवश्यक कार्य छू तभी ठाव का घूमो, अन्यथा अपन काम धंधा अपन घर में रह जाते। तो ये अनेक जन्मों कृपा और भगवान जब कृपा हमको प्राप्त हैं तब ये भगवान सत्संग द्वारा भागवत कथा का हम सुन लो। अपन लोग बड़ा भाग्यशाली था कि यहाँ एवे अपन काम धंध में पूर करवे भगवान कथा के सुन लागल था। बेलिया कथा प्रसंग में अपू लोगों पद्म पुराणांतर्गत छह अध्यायों में भागवत महिमा में श्रवण कर यह भागवत कथा कश्यु के एक रूप छु और यह कथा के सुनबे कशी धुंधकारी उद्धार हगो और कशी माता भक्तिक द्विपुत्र जो ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में है किसी जो उठन नहीं लग रही तब सनत कुमार महाराज जी उनको भागवत सुने और तब वो जागी। ये कथा जागृत करनी और भयंकर दुर्गति हमें बचानी थी। ये प्रकार एक अध्याय में भागवत करने जो विधान विधि जो उनका अपु लोगों सुनो और वेद व्यास भगवान 335 अध्यायों में 12 स्कंदों में और 18,000 श्लोकों में कलयुगत लोगों को कल्याणार्थ यह कथा के बताने लगे और यह भागवत रचना कशिव है और कशी यह कथा लिखी ले रहे और कब यह रचना है और किन किन लोगों ने कथा को सुनो यही प्रसंग में आज अपु लोगों को मैं कथा सुना लागू। सब कली भागवत में स्तुति कर रहे जैसा मंगलाचरण कही जा भागवत में तीन जात में मंगलाचरण करू। सर्वपल्ली वेद व्यास भगवान जब कथा आरंभ करी तब और जब द्वितीय स्कंद में सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के का सुनानी क्योंकि राजा परीक्षितल ब्राह्मणों अपमान कर दी समीक महात्मा तो उनर पुत्र श्रृंगिल उनको 7 दिन में तक्षक द्वारा मरणक श्राप दी। तो ये श्राप द्वारा दुर्गति न हो मेरी सदगति है जाओ तो तब राजा परीक्षित सुखदेव भगवान पास गई। सुखदेव को जी वेद व्यास भगवान पुत्र और 7 दिन जाको भागवत कथा उन्होंने सुने और तब राजा परीक्षित के मुक्ति प्राप्त है। और तृतीय मंगलाचरण जब भागवत कथा का विश्राम ले जा तब सूत महाराज ऋषियों सामणी भगवान मंगलाचरण करो। ये तीन हमारे जीवन तीन अवस्था छे बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था। तो तीन अवस्थाओं में अपन आचरण का हमको श्रेष्ठ बनाना चाहिए। ये तीन मंगलाचरण यही बात तक संकेत करनी है। बाल्यावस्था में यदि आचरण श्रेष्ठ हो तो युवावस्था में भटकाव नहीं होनी और युवावस्था में यदि आचरण श्रेष्ठ छु वृद्धावस्था में इंद्रिया हमको यदि ज्यादा आकुल व्याकुल भी करना है और वृद्धावस्था यदि आचरण श्रेष्ठ हो आगे जन्म नहीं बिगड़ोगे फिर हमको श्रेष्ठ घर में जन्म मिलू धनवान कुल में घर मिलू श्रीमान कुल में जन्म मिलू जहाँ हमार बुद्धि विद्या द्वारा संसार में हमार यश प्रशंसा है। तो यह भी भागवत में तीन स्थानों में मंगलाचरण थे और सर्वोपरि मंगलाचरण में भगवान वेद व्यास भगवान स्वरूप के प्रणाम करते हुए जो भगवान सत्य स्वरूप छू जो कभी अविनाश जो कभी विनाश नहीं होनी जय कभी अंत नहीं होनी यह जो मंगलकारी भगवान सत्य रूप छे उनको प्रणाम कर रो। जनवागश्योन्वयादितरतस् चार्धेश्वरिव्यस्वरान् तेरे ब्रह्मा।
हृदयाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सगुह पलि वेद व्यास भगवान परम सत्तावान भगवान नारायण स्तुति करनी। सत्यम अर्थात जो अविनाशी शु कै जैग विनाश नहीं होने जो कशु जन्मादस्य जो सृष्टि निर्माण है वह पलिलची। सृष्टि निर्माण जब ब्रह्मांड करो तब लरो और जब सृष्टि विनाश को प्राप्त है जल अर्थात जब केल निरोध पृथ्वी पहाड़ जल थल कुछ निरोध तब लव परमात्मा अर्थात जो तीनों काल में तीनों गुणों में और तीनों रूपों में विद्यमान छू जो अविनाशी छू जय कभी विनाश नहीं हो। यह जो परमात्मा जनूल ब्रह्मा आदि के अपन नाभि पे प्रकट करो और उनके वेदों ज्ञान दी। ये बच्चों को पीछे बैठा।